तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद जदयू के अंदर काफी हलचल है। इस मुद्दे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने अलग ही रास्ता अख्तियार किया है। उनके साथ जदयू का एक धरा अलग हो गया है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को नेता बनाए जाने के नीतीश कुमार की घोषणा के बाद दल के अंदर सुलग रही आग को नेतृत्व के तरफ से शांत करने की कोशिश की जा रही है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि 2025 चुनाव की बात बाद में करेंगे, पहले 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2025 के विश्व चुनाव में तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट बनाए जाने के सवाल पर ललन सिंह ने अपने आप को नीतीश कुमार की घोषणा से अलग कर बात करते हुए दिखे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। कुशवाहा के आरोपों पर ललन सिंह ने कहा कि राजद से कोई डील नहीं हुई है, 25 आएगा तो देखा जाएगा, अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बता दें कि 13 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। तब उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लीड करने की बात कही थी। बापू सभागार में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौटते वक्त नीतीश कुमार से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने सस्पेंस पर से पर्दा उठा दिया। पटना में पत्रकारों के सामने ही तेजस्वी का हाथ पकड़ कर पीछे से आगे ले आए। तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रख कर बोले थे कि 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व यही करेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ते समय तेजस्वी यादव को नेता घोषित किए जाने पर नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2022 में महागठबंधन बनने के थोड़े ही दिन बाद आरजेडी के तरफ से गठबंधन में डील की चर्चाएं होने लग गई, उसका दावा होने लगा। स्वयं नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से कहना शुरू कर दिया कि हम आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के व्यक्ति का नाम लिया। जब यही स्थिति आई उसी समय मन में चिंता शुरू हो गई। हमारे सामने दो रास्ता था, पहला यह कि कर्पूरी ठाकुर के विरासत को चुपचाप उनके ही हाथों में जाते हुए देखते रहे, दूसरा यह कि हम सामने आ जाए। हम लोगों को लगा कि चाहे जिस परिस्थिति का सामना करना पड़े, राजनीतिक धर्म और कर्तव्य समझते हैं तो फिर से हम लोगों को उठकर खड़ा होना चाहिए। हम लोगों को किसी भी हालत में कर्पूरी ठाकुर की विरासत को उन हाथों में नहीं जाने देना चाहिए जिन हाथों ने बिहार को मरोड़ने का काम किया। तो जब आएगा समय तो देखा जाएगा, कहे अस्तित्व में है, पार्टी में अस्तित्व में रहेगा। आज 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 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में नहीं है। अरे गजब आपका सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है, अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब आपका कोई एजेंडा माले का एजेंडा या नहीं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।